रफ्तार पकड़ने लगी यूपी की चुनावी जंग। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, बीजेपी के सफाई का दावा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने किया रोड शो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की विजय रथ यात्रा में दिखा लोगों का हुजूम। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले लोगों ने बना दिया है बदलाव का मन। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और जहां अमन चैन होगा। बीजेपी ने अखिलेश के दावों को खारिज किया। यूपी के डिप्टी सीएम बोले गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। गाजीपुर में अखिलेश के साथ नजर आए ओम प्रकाश राजभर, बोले बीजेपी ने हमसे झूठ बोलकर किया हमारा इस्तेमाल। हमसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लिया। यूपी में कांग्रेस ने भी तेज किया चुनाव अभियान। चित्रकूट पहुंची प्रियंका वाड्रा, एक के बाद एक कई मंदिरों में पूजा की। प्रियंका ने रामघाट में गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजा करके शुरू किया अपना मिशन, भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रियंका वाड्रा ने सियासी कार्यक्रमों की शुरुआत की, नाव की सवारी करके सभा स्थल तक पहुंची। करीब 3,500 महिलाओं के साथ प्रियंका वाड्रा ने किया संवाद, लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से हुआ कार्यक्रम। चित्रकूट में प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोली महिला और दलितों पर अत्याचार हुआ। किस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को, गलत है उसको बदलने की बहुत। चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में भी प्रियंका वाड्रा ने पूजा की, नंगे पांवों की करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा। बीजेपी ने भी बुंदेलखंड पर टिकाई निगाहें, 19 नवंबर को महोबा और झांसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। रानी लक्ष्मीबाई जन्मोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। महोबा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। झांसी भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ बैठक करके पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र प्रदर्शनी की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा पर केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुस्त नौकरशाही को भी लताड़। केंद्र की मौसम बदलने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, कहा घर में बैठकर नहीं कर सकते इंतजार। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दी पराली जलाने की दलील, सीजेआई बोले हम किसानों को नहीं देना चाहते सजा। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा कुछ गाड़ियां कम होने से नहीं होगा कोई असर। कोर्ट की सुनवाई के बाद केजरीवाल सरकार की जारी की गई नई गाइडलाइंस, जरूरी सेवाओं के अलावा दूसरे ट्रकों की एंट्री बैन। प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, संबित पात्रा ने दिल्ली को बताया सबसे प्रदूषित शहर। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि क्या हम ऑडिट कराएं कि कितना आप खर्चा प्रदूषण पे कर रहे हैं और कितना खर्चा आप विज्ञापन पे कर रहे हैं। बीजेपी के वार पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, गोपाल राय ने पूछा बैठक करने से क्यों डर रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। केंद्रीय मंत्री तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहां गायब है, सारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, बीजेपी के एक पर्यावरण मंत्री के पास एक मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है। एनसीआर में तेज हुई प्रदूषण के खिलाफ मुहिम, गाजियाबाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनावों में भी किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम, प्रचार के लिए कोलकाता और हावड़ा जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। श्रद्धालुओं के लिए खुल गया करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया गया। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए करतारपुर रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, 26 तारीख को होगी वापसी। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पंजाब में जश्न का माहौल, लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी। गुरुग्राम में गुरुपूरब से पहले भाईचारे की मिसाल, श्री गुरु सिंह सभा ने मुसलमानों से की गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की अपील। शिमला में ऑल इंडिया
प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का लोकसभा स्पीकर ने किया उद्घाटन। दो दिन के आयोजन में 26 राज्यों के 300 प्रतिनिधि शामिल। पीएम मोदी का ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल संबोधन, वन नेशन वन लेजिस्लेशन पर जोर। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी ड्राइवरों को संबोधित किया, राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बापू पर कंगना रनौत के बयान पर बढ़ा विवाद, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया, पद्मश्री वापस लेने की मांग की। अमेरिका में देश विरोधी बयान ने बढ़ाई स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास की मुश्किलें, दिल्ली और मुंबई में शिकायत दर्ज। पंजाब के मोगा में निगम कार्यालय में लात, जूतों से पार्षद की पिटाई, सफाई कर्मियों पर आरोप लगे। मुंबई स्टेशन IRCTC ने शुरू किया पहला पॉड होटल, कैप्सूल की तरह दिखने वाले लग्जरी कमरों में आराम कर सकेंगे यात्री। लखीमपुर खीरी केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर बनाई SIT, 3 IPS अफसरों की टीम करेगी छानबीन, रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। पाकिस्तान की संसद ने पास किया कानून, मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव। असम के जोरहाट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश में हटाए गए कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध, शादी में मेहमानों की लिमिट खत्म, 100% क्षमता से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, PDP चीफ ने हैदरपुरा एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुलगाम में दो जगहों पर एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर। कुलगाम के पांबे एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी, गोपालपाड़ा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर किया। कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया TRF का कमांडर अफाक सिकंदर, जम्मू कश्मीर IG ने पुष्टि की। पालपुरा में इनकाउंटर खत्म हो गया, वहाँ 2 टूरिस्ट मारे गए हैं, दोनों TRF का है, उसमें एक पहचान हुए सिकंदर लोन जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर TRF का है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, 2 CRPF जवान और 4 नागरिक जख्मी। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक, मौजूद रहे NIA, CRPF और BSF की DG। अमृतसर में भारत पाक सरहद पर दिखा ड्रोन, BSF की फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ लौटा। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सिविल सोसाइटी के 3 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर CBI की बड़ी कार्रवाई, 14 राज्यों के 77 ठिकानों पर छापेमारी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली में 19 ठिकानों पर CBI के छापे, UP के 11 जगहों पर दबिश। बिना इजाजत राष्ट्रपति भवन में घुसे एक लड़का और लड़की, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चाकू से गोदकर महिला की हत्या, पति और 2 बेटों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी में जलकर खाक हुई डेपो में खड़ी 2 बसें, हादसे की वजहों की जांच कर रही है पुलिस। पंजाब के तरनतारन में ग्रोसरी स्टोर में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। हरियाणा के चरखी दादरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 की मौत। मिर्जापुर में सुबह की धुंध की वजह से ट्रेन नहीं देख पाने से बड़ा हादसा, चपेट में आए 3 लोगों की मौत। धर्मापुरी से बेंगलुरु के रास्ते में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरी कार, 2 की मौत। बिहार के खगड़िया में गंगा में डूबी यात्रियों से भरी नाव, 1 महिला समेत 3 की मौत। मुजफ्फरनगर में बुलंद मंचलों के हौसले, छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के परिजनों की पिटाई। हमीरपुर में सरकारी नाप तौल के दौरान लेखपाल के सामने ही किसान को मारी गोली, देवस्थान को लेकर बढ़ा विवाद। कटिहार में दिनदहाड़े बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, सड़क पर जा रही नाबालिग लड़की को भी पांव में गोली लगी। दिल्ली में 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार, बांग्लादेश के रास्ते भारत में ली एंट्री। हरियाणा में पानीपत की फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, जलकर खाक हुआ लाखों का माल। जयपुर के पहले T20 में न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 165 रनों का लक्ष्य, 6 विकेट खोकर खड़ा किया स्कोर। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने बनाए 63 रन, गप्टिल के बल्ले से निकले सबसे अधिक 70 रन। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने झटके 2 विकेट, अश्विन ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। भारत ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, टीम में चहल की वापसी, वेंकटेश अय्यर को मिला मौका। रांची में शुक्रवार को खेला जाएगा अगला T20, रविवार को कोलकाता में अंतिम मुकाबला। पश्चिम बंगाल में हर साल 1 जनवरी को मनाया जाएगा छात्र दिवस, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया।
अगले चार दिनों में गुजरात में बेमौसम बरसात का अनुमान, अरब सागर में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड, अलाव का सहारा ले रहे हैं सैलानी और राहगीर। बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड, शून्य से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, जमने लगा झरनों का पानी। 314 अंकों की गिरावट के साथ 60,008 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट। अब हवाई सफर के दौरान सभी यात्रियों को मिल सकेगा खाना, कोविड 19 की वजह से 2 घंटे से कम दूरी की फ्लाइट्स में खाना परोसने पर रोक लगी थी। राकेश झुंझुनवाला की कंपनी अकासा एयर ने दिया 72 बोइंग जेट का ऑर्डर, नए साल में टेक ऑफ की उम्मीद। यामाहा ने यूनिबॉडी सीट के साथ लॉन्च किया नया वेरिएंट, 1,57,000 रुपए है बाइक की शुरुआती कीमत। ई कॉमर्स के नए नियमों पर सबकी सहमति के लिए पीएमओ दे सकता है दखल, ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करने पर है नए नियमों का फोकस। क्रिप्टो को करेंसी के तौर पर मान्यता नहीं देना चाहती है सरकार, सेबी को रेगुलेटर बनाकर एसेट क्लास का दर्जा देने पर विचार। बस अड्डे जैसी है पटना एयरपोर्ट की हालत, मुसाफिरों को लाइन में घंटों तक करना पड़ता है इंतजार। देव दीपावली के लिए वाराणसी में गंगा महोत्सव की शुरुआत, 3 दिनों के लिए हॉट एयर बलून शो का आयोजन। कोरोना के मामले में कमी के बाद इटली में पाबंदियों में ढील, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुलने से फिर से पर्यटकों से गुलजार हुई है राजधानी रोम। ऑस्ट्रिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फिर से लगाया गया लॉकडाउन, राजधानी वियना में सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, महंगाई और बढ़ती तेल कीमतों के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। ताइवान पर भ्रम की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी सफाई, कहा व्हाइट हाउस ने कभी नहीं की आजादी की बात। चिली की सेनेट से नामंजूर हुआ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव, 43 सदस्यों वाले सदन में 18 के मुकाबले 24 मतों से खारिज। आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर बढ़ा तनाव, दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलाबारी। नाइजीरिया के लागोस में सिलेंडर विस्फोट से धमाका, घनी आबादी के बीच हुए धमाके में एक बच्चे समेत 5 की मौत। ब्रिटेन की संसद में पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजीम रफीक की भावुक गवाही, कहा नस्लवाद ने तबाह किया करियर।